नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका राजेश कश्यप। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यह कहावत लखनऊ के वर्ग विशेष के उन कुछ लोगों पर एकदम सटीक बैठ रही है जिनके दिल आतंकियों के प्रति हमदर्दी के लिए कुछ ज्यादा ही जोर जोर से धड़क रहे हैं। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के दो आतंकियों को पकड़ा था। अलकायदा आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद आज लखनऊ के वजीरगंज में खबर कवर करने पहुंचे पत्रकारों पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया और पत्रकारों को बंधक भी बना लिया। एटीएस टीम के वजीरगंज पहुंचने की खबर के बाद जब हिंदुस्तान के पत्रकार तुषार श्रीवास्तव और आर भारत के पत्रकार विवेक राय पुराने लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों की स्टोरी को कवर करने के लिए और उसका फॉलोअप कवर करने के लिए गए हुए थे, पकड़े गए आतंकवादियों के घर पर खबर कवर करने के दौरान बड़ी संख्या में अराजक तत्व इकट्ठा होना शुरू हो गए और जी हिंदुस्तान के तुषार श्रीवास्तव और आर भारत के विवेक राय पर हमला कर उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान अराजक तत्वों ने पत्रकारों से अभद्रता भी की और उन्हें गाली गलौज भी किया। अब आगे देखना होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आतंकवादियों के प्रत्यक्ष समर्थन के लिए हमला करने वाले ऐसे अराजक तत्वों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पत्रकारों पर हमला होने व पत्रकारों को बंधक बनाए जाने की जानकारी मिलते ही पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पत्रकार संगठनों ने हमला करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। आइए देखते हैं कि आतंकियों के समर्थन में किस प्रकार अराजक तत्वों ने पत्रकारों पर हमला किया और उन्हें बंधक बनाया। और चैनल